मदा स्वास्थ्य संरक्षण एनडीबी का मांग है, अभी का जो बीटीसी है उसका एरिया एक्सटेंशन करना है, अभी का जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसको 9 डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंशन करना है, और लैंड राइट हो, जॉब का राइट हो, देर का लेजिस्लेटिव राइट हो, जुडिशियल राइट हो, एग्जीक्यूटिव राइट हो, लगभग एक्सटेंट जैसा उसका जो पावर है वो होना चाहिए। लेकिन अगर ये होएगा तो इधर का जो सोन ऑफ सॉइल है, अडर जो कम्युनिटी का है, उसका जो राहिक वो नहीं रहेगा। इवन उन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या दूसरा जितना सारा निकाय हो या दूसरा एरिया में वो 65-70% मांग कर रहे हैं, क्योंकि इधर का उनका पॉपुलेशन सिर्फ 30% है। अगर वो लोग इतना परसेंट ये रिजर्वेशन लेके जाएगा तो उधर का लोगों का जो हो गए वो जरूर खत्म हो जाएगा। और हम इसलिए गवर्नमेंट से अगर वो सही एक्चुअली वो यहाँ पीस करने का मकसद है तो बीटीसी में जो अनजस्टिस हुआ है इधर का जितना सारा नॉन ट्राइबल ग्रुप है उसके साथ, इसको यहाँ सुधरना चाहिए। तो अगर ये नहीं होगा तो आने वाले दिन में, क्योंकि अभी भी आदिवासी का, राजवंशी का बहुत सारा, नेपाली का ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इधर में सिस्टर में है, अगर किसी को हक दिलाएगा और किसी को नहींगा तो फिर ये गड़बड़ होने वाला है। तो हमारा गवर्नमेंट से वही गुजारिश है, वो हमारे सुने और इधर का लोगों का जितना सारा सिस्फायर ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बातचीत करे, और अगर ये एकॉर्ड काल नहीं होने से भी 2-7 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन पहले एक माहौल बनना चाहिए, माहौल बनने के बाद ये पीस करना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट का जो मकसद है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं इधर का जो एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम है वो खत्म होना चाहिए। अगर यह पीस नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम भी चाहते हैं यहाँ का लोग पहले जैसा जितना गड़बड़ी हुआ था उससे उसको छुटकारा मिले। तो वही उम्मीद है हमारा, अगर नहीं होगा तो इधर का जितना सारा गड़बड़ होगा उसका रिसोल्यूशन किंतु गवर्नमेंट होगा। तो इसलिए हम पहले से उसको आगाह करते हैं, जो कदम बढ़ाए हैं वो ठीक तरह से बनाना चाहिए।